हाँ, कैसे हो? पहले आप ये बताइए कि कैसे हैं आप और कैसी तबीयत है आपकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं जा रहा था आपसे मिलने के लिए तो आ गए। मैंने मुझे तो नहीं लगता कि बगैर कहा मतलब के मुझे भी मिले। ले चलो। मुझे तो कोई चक्कर नजर आता है। आप कुछ भी कर ले, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें प्यार करता लाओ तुम्हें। अब तुम लोग जाओ, मुझे अकेले में बात अरे नहीं करनी नहीं मुझे खाना है। बनाना, रोटी बनानी, गैस चला जाएगा। तुम जानती हो ये लोग क्यों आए थे? अपनी गरज से आए थे, गरज। लेकिन तुम सबसे ज्यादा, तुम्ही ने तो मेरी जिंदगी बचाई। ये मेरी सब कुछ। मैं सब जानता हूं, ये लोग जितने भी आती हैं, लोग मिलते हैं, सब मफाद अपना मफाद होते हैं, अपने काम से आते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन एक तुम हो, सबसे अलग थलग, साफ सुथरे। तुम एक पाकीज़ा रखे, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं। मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? मैं दीवाना हूं तुम्हारा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। तुम मुझे छोड़कर तुम जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं जी नहीं सकूंगा तुम्हारे बगैर। मुझे जाना, मुझे छोड़कर। नहीं जाना मुझे छोड़कर। तुमने मुझ पर क्या कर दिया? मैं पागल हो गया हूं तुम्हारे लिए, पागल हो गया हूं तुम्हारे लिए। क्या करूं, मैं अपने होश में नहीं रह, तुम्हें अपने पास देखता हूँ। जाओ, तुम चली जाओ, तना छोड़ दो मुझे, चना छोड़ दो। पागल हो गए, पागल हो गया हूं मैं। हाँ, कैसे आ रहा हूं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बोलो, क्या बात है? हम आपके पड़ोस से आए, आपको आते जाते देखा तो सोचा मिल लें। अच्छा, तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है? घर का काम तो बहुत था, पर हमारे घर गैस नहीं आ रही, सोचा कि आपके घर आए और चाय पी लें। आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है मुझे। कौन सा स्टाइल? लाइफ स्टाइल। कोई बात होती है, कोई काम धंधा होता है तो वैसे ही उठाई चली जाती है। तुम्हें तफरी के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता? जान पहचान बनाने में कितनी देर लगती है। हम आपसे, बिल्कुल हम आपसे मिलना चाहते थे तो सोचा आगे। मुझसे मिलने से क्या हासिल है? कुछ हासिल नहीं। आपकी शख्सियत इतनी अच्छी है तो सोचा आपसे मिल लें।
और चाय पी ली। मेरे घर में तो माचिस भी नहीं। तो पानी पी लेते हैं। पानी तो क्या, हम जूस भी पिला देंगे। जब हम अपने मूड में आएंगे तो सब कुछ पिला देंगे। हमारा मूड होता है, जब मूड में होते हैं तो हम सब कुछ दे देंगे। बस मूड की बात होती है। यानी आप भी चाय पीने आई? हम तो खाना भी खा कर जाएंगे। तुम कौन? पड़ोस में रहती हूँ मैं। ये भी हमारी तरह चाय पीने आई। सारे मोहल्ले वाले फारिग बैठे। हमने आपको चाय का बोला तो आपने कहा कि सिलेंडर में गैस नहीं है, ये आइए तो आप खाने की बात कर। चलना चाहिए है ना? हाँ, वैसे भी बहुत इंसल्ट हो गई है, चलते हैं। हाँ जी, तो हम चलते हैं। ओके बाय। चलो चलो। तुम इन लड़कियों के साथ क्यों खेल रही हो? तुम इनको हकीकत बता क्यों नहीं देती हो? हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, बता दो इनको, समझ जाएंगी ये भी। पता चल जाएगा ना इनको उससे क्या होता है। हमारी मोहब्बत तो सामने आ जाएगी ना। हम जो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं, कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, कोई अजीब बात थोड़ी कर रहे हैं। हम एक दूसरे को चाहते हैं, हम पाक मोहब्बत करते हैं। शेरा तो जिंदा है लेकिन मारने वाली। मैं चलती हूँ। मेरी जिंदगी कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं, कांटे ही कांटे। और मेरे अपनों ने मुझे मारने की पूरी कोशिश की, टॉर्चर दिए मुझे तरह तरह के कि किसी तरह से ये खत्म हो जाए, लेकिन मैं जिंदा हूं, अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूं। ये जिंदगी मुझे अल्लाह ने दी है, लोगों के लिए दी है, लोगों की खिदमत करने के लिए दी है। इन लोगों ने तो मुझे मार दिया है, लेकिन मैं जिंदा रहा। और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अब मैं इनसे बदला लूंगा, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी को इन्होंने अजाब बना कर रख दिया है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जिंदा दरगोर कर दूंगा इनको। जिस तरह इन्होंने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया है, मैं इनकी जिंदगी को आग के शोले बना दूंगा। लोग इबरत पकड़ेंगे इनकी जिंदगी को देखकर, इनको देखकर सबक सीखेंगे। लेकिन इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं ऐसा नहीं था।